कोई महिला है है मतलब कि वो संतान उत्पत्ति नहीं कर पाती है, उसका क्या इलाज है उसका इलाज हमारे पास में एकदम तो सरल इलाज है पांच जो महिला है जिसको संतान नहीं होती है कितना रुपया में बचा देते हैं पांच से छह सौ रुपया लगता है महीना कम से कम तो हजार दो हजार लड़कियों को ने हम जिसका एमसी नहीं था उसको एमसी चालू करके बच्चा उसको हम कर, करवाए ऐसे तो लंबा लंबा है जी। इसको पहचाने कैसे कि इससे स्पर्म बनेगा अच्छा जिस मर्द में स्पर्म नहीं होता उसका उसका दवाई बनाते हाँ उसी का दवाई बनाते हैं। जड़ी बूटी से एक से एक गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज है आपके जी हाँ हमारे पास में कोई भी ऐसा बीमारी है उसका हम गारंटी इलाज भी कर देते हैं गारंटी के साथ जी जी पंद्रह सत्रह साल से जड़ी बूटी ढूंढ रहे जंगलों में जी जी, जी जड़ी बूटी किसी के लिए आराम साबित हो सकता है आखिरकार आयुर्वेद से किस किस बीमारियों का इलाज हो सकता है पूरा जंगल आपको दिख रहा है ये जंगल में एक से एक बेसकीमती जड़ी बूटी मौजूद है हम लोग अभी एक ईसवीं सदी में जी रहे हैं और यहाँ पे एक से एक आधुनिकता का जो सामान है वो हमारे आसपास घूमते रहता है लेकिन जहां पे सारा विज्ञान फेल हो जाता है वहां पे एक और जो मतलब की चीजें है वो उत्पन्न होती है वो होता है प्रकृति और प्रकृति में आज भी ऐसे ऐसे जड़ी बूटी मौजूद हैं जहां पे गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज हो जाता है उसको खाने से उसको पीने से उसका सेवन करने से और उसी कड़ी में हम अभी आए हुए हैं जमुई के जंगल में और इस जंगल में दूर दूर तक आपको एक भी घर और एक भी मकान आपको दिखाई नहीं देगा और इसी जंगल से जो भी मतलब कि जड़ी बूटी का जो दवाई बनता है और आयुर्वेदिक दवाई बनता है उसके जो वैद्य जी हैं वो यहाँ से दवाई निकालने के आए हैं वो कैसा कैसा दवाई निकालते हैं कैसे उनको पता करते हैं ये हम चर्चा करेंगे और वो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आखिरकार आयुर्वेद से किस किस बीमारियों का इलाज हो सकता है और क्या इलाज होने के बाद फिर से वो बीमारी शरीर में उत्पन्न हो सकती है कि नहीं हो सकती है ये सभी विषय पर चर्चा करेंगे और ये जो पूरा जंगल आपको दिख रहा है ये जंगल में एक से एक बेस कीमती जड़ी बूटी मौजूद है और उस जड़ी बूटी को जब आप सेवन कीजिएगा जब उस जड़ी बूटी को आप खाइएगा तो आपके भी अंदर से जो गंभीर गंभीर बीमारियाँ हैं वो चुटकी बजाते खत्म हो जाएगी क्या बोलते हैं कि बाजपन का बीमारी हो आपको गठिया का बीमारी हो आपको सट्रिका का बीमारी हो आपको चर्म रोग का बीमारी हो एक से एक जो बड़े बड़े बीमारी है उसको ये जो बैद्य है वो ठीक कर देते हैं और यहाँ से वैद्य जी जंगल से जड़ी बूटी निकाल रहे हैं ये जड़ी बूटी को कैसे पहचानते हैं ये सबसे बड़ी सवाल है और ये जड़ी बूटी किसी के लिए रामबान साबित हो सकता है किसी के लिए सजीवन बूटी साबित हो सकता है क्योंकि ये वही जड़ी बूटी है जिसका सेवन करने से आ, क्या बोलते हैं कि जो बांझ महिला होती है वो गर्भवती हो जाती है दादा से हम जानेंगे डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आखिरकार ये कर क्या रहे थोड़ा सा दादा एक सेकंड बतिया लीजिए पहले उसके बाद अपना जो काम है वो कीजिएगा सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या है हमारा नाम श्री साहब बैजी है श्री साहब जी श्री जी एक बात बताइए घन घोर जंगल में खा कर रहे हैं। इधर सांप बिछा से डर नहीं लग रहा है सांप बिछा क्या करेगा हम लोग जड़ी बूटी कमाड़ रहे हैं जड़ी बूटी कमाड़ रहे हैं जी जी ये किस भी सदी में जड़ी बूटी का काम पड़ गया आपको। जी हम जड़ी बूटी की दवाई देते हैं जड़ी बूटी से दवाई दवाई बनाते हैं जी जी अरे तरीके जड़िया से कैसे कर बहु इसमें से देखिये ये कीटाणु का दवाई है हाँ जो मर्द में कीटाणु नहीं पाया जाता अच्छा जिस मर्द में स्पर्म नहीं होता उसका दवाई आप बनाती है उसी का दवाई बनाते हैं पता कैसे चला किससे कीटाणु और जो जन इसका जानते हैं जो वृक्ष में जो धातु पाया जाता है न हाँ। हम जानते हैं कि इसमें हाँ। कीटाणु का ही दवा है अच्छा कब से आप ये सब कर रहे हैं दादा मतलब कि जंगल झाड़ में आकर के एकदम हम लगभग पंद्रह प्लस कर रहे हैं पंद्रह सत्रह साल से ही काम कर रहे हैं पंद्रह सत्रह साल से जड़ी बूटी ढूंढ रहे हैं जंगलों में जी जी और इस जड़ी बूटी को ढूंढ करके किसी को खुशी देते हैं किसी को क्या बोलते हैं कि गंभीर से गंभीर बीमारी को खत्म कर देते हैं कोई भी ऐसा बीमारी है उसका हम गारंटी इलाज भी कर देते हैं गारंटी के साथ जी जी अच्छा ऐसा हो ले जाए दवा फिर उसको फायदा ना करे फिर नहीं कैसे फायदा करेगा फायदा करना है एकदम आ गया तो उसको जादी, अगर यदि वो परहेज में नहीं रहे तो अलग चीज़ है अच्छा मतलब कि जो आप परहेज पर... जो है परहेज में अगर रहेगा तो मेरा दवा राम मान की तरह काम करता है एकदम ठीक होना ही होना एकदम होना होना है अच्छा ये वाला जो ऐसे लंबा लंबा है जी। इसको पहचाने कैसे की इससे स्पर्म बनेगा सर हम जंगले में रह करते हैं तो फिर आखिर पहचाने नहीं अच्छा अंग्रेजी दवा का बड़ा चलन है दादा अंग्रेजी दवा और आयुर्वेद दवा में का अंतर है बहुत अंतर है जैसे जैसे की अंग्रेजी दवा खाने से एक बीमारी ठीक नहीं होता दूसरा प्रवेश कर जाता है अच्छा और ये दवाई में ओसा बात नहीं है अच्छा ये दवाई एक खाइएगा तो एक की बीमारी ठीक करेगा एक ही बीमारी ठीक करेगा और ठीक नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं नुकसान भी नहीं कर लाता है कोई मतलब दूसरा रोग कोई प्रवेश होने नहीं देता है अच्छा कौन कौन बीमारी का इलाज करते हैं आप जड़ी बूटी से गेठिया बात सेटका बाबा सिर धाध एक जिमा कान बाता है बच्चा लोग को उसका करते हैं हाँ। दामा को करते हैं आपको हाँ। जिसको सफेद दाग हो गया है हाँ। अगर दो चार साल पाँच साल का दो 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 चार पाँच साल का अगर यदि अगर यदि मान लिया रोगी है तो उसको हम जड़ से खत्म कर देंगे अच्छा जिसको सफेद दाग उसको भी ठीक कर देते हैं। उसका भी जड़ी से। जड़ी बूटी बूटी से। से। अच्छा संक्षेप में आप हमको एक बात और बता दीजिए कि, कि किस किस बीमारी का आप इलाज करते हैं हम देखिए इलाज करते हैं गेठिया बात सेठ का सीर, बाबा का करते हैं धात करते हैं आपको कान बाता है जिस बच्चा को या बड़ा को और जिसका मान लिया जाए कीटाणु नहीं है जिनको मान लिया बंधापन है जो स्त्री में एमसी नहीं आ रहा है अरे बहुत तरह की हम दवाइयों अच्छा मतलब कि दर्जनों बीमारियों का इलाज करते हैं जी। बाकी जिनको विस्तृत जानकारी लेना हो वो हमारे दफ्तर हाँ। पे आए या फिर जी जी। फोन कर ले हाँ जी हमसे संपर्क कर ले जिनको अगर जानकारी नहीं है पूरे इलाज मे दवाई के विषय में कि हमारा इलाज हो न हो या जानते हैं नही जानते हैं बैद जी तो हमसे बात कर सकते हैं जी फिर हो जाएगा दवाई खेले के बाद नहीं 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 सब बात

लड़कियों को ने, हम जिसका एमसी नहीं था उसको एमसी चालू करके बच्चा उसको हम करवाए हैं अच्छा जिसको पीरियड्स नहीं होता था उसको पीरियड्स आने लगा आपके दवा से हाँ जी जी अरे तेरी आप तो भगवान है दादा जो समझिए आप जो समझिए लेकिन जिसको एम बंद हो गया है उम्र उसको बचा हुआ है उनको हाँ। तो हम एम ला देंगे ये जड़ी बूटी से जड़ी बूटी में इतना पावन जी जी अच्छा राम लक्ष्मण जी को जब शक्तिवान लगा था तो वो भी आयुर्वेद न ठीक हुए थे जी वही मतलब घैलागिरी पर्वत पर उनका जो एगो सजीवनी बूटी था हाँ। तो जो शक्ति शक्तिबान लगा था तो वैद्य सुन वो पर्वत पर जब गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि रावण दिए मोहिमा खिलाए सारा सजीवन बूटी बन गया हरे तरीके हाँ। तो हनुमान जी पर्वते को उठा कर ले चले आए जहाँ पे युद्ध हो रहा था। हाँ तो वैद्य सुशेशन ने उस जड़ी को निकाला अच्छा तो वैद्य सीधी कैसे पहचानते हैं कि कौन वाला दवाई से कौन वाला बीमारी का ठेका होगा इसका हमें जानकारी है अच्छा इसका जानकारी जानकारी है पंद्रह साल से इस लाइन हाँ, हाँ, जैसे की वैद्य सुशेषण हाँ। पूरे में बत्ती जल रहा था एकदम जगमग जगमग लेकिन उसमें सजीवनी बूटी एक के वो पौधा था तो वो निकाल लिया कि यही सजनी बूटी है तो वही ना बोल रहे हैं कि पेड़ तो एक है। उसी तरह से हम भी अपने जड़ी को चीन लेते हैं कितना देखिए है इसमें झाड़ी था हाँ। सबको काट के बगल कर करके और हम अपना जड़ी को देखिए यही हमारा हाँ। जड़ी है जो की कि हम कितने दूरी से इसको हम मट्टी को मट्टी को फैलाते फैलाते काटते काटते यहाँ तक ले आए अच्छा बांझ जो महिला है जिसको संतान नहीं होती है कितना रुपया में बचा देते हैं पाँच से छह सौ रूपया लगता है महीना कुलन छो में मतलब कि महिला गर्भवती हो जाती है जिसे जिसको परेशानी बेसी है तो दो से तीन महीना भी चलता है अच्छा लेकिन हमारा दवाई का दाम वही है पाँच सौ छह सौ रूपया मतलब कि जो गरीब से गरीब है वो भी आकर के इलाज हाँ, करवा है जी सभी ऐसा नहीं कि दो तीन पाँच लाख रुपया ला नहीं 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 नई यहाँ हजार रुपया से नीचे के ही इलाज होता है कहाँ पे आपका सब दुकान कहाँ पे आप हमारा घर पड़ता है ग्राम लोसिघानी पोस्ट मथुरापुर और लछुआर थाना पड़ता है जिला जमुई पड़ता है जमुई के बैद जी पूरे देश में एकदम मतलब की तहलका जी हमारा पूरे देश में हमारा अभी दवाई जा रहा।, जा रहा है कुरियल से भी और लोग जिनको संतुष्ट नहीं है वो आकर के भी हमारे यहाँ से दवाई ले जाते हैं सामने एकदम फेस टू फेस इलाज करते जी और दवाई से एक से एक बीमारी ठीक हो जाता है जी कोई भी बीमारी हो जो हम जड़ी बूटी देते हैं उसको हम गारंटी इलाज दे देते हैं अच्छा हमारे दादा के टेहुना में बड़ा दर्द है बहुत दिन से हो जाए हाँ ठीक कर देंगे तो उनको दवाई दी जाएगी तेल दीजिए नहीं दवाई देंगे उनको और ठीक हो जाए हाँ अगर तेल का भी कर पड़ता है हम तेल भी चुबाते हैं जड़ी बूटी के द्वारा जड़ी से तेल बना दीजिए जी तेल भी बना जड़ी से पाउडर बना दीजिएगा जड़ी से टेबलेट बना जी जड़ी में सब गुण है लेकिन अलग अलग जड़ी है एक ही जड़ी से सब काम नहीं होता है जैसे इसको जो काम हाँ, है हाँ, वही काम नहीं करेगा भाई अनेक तरह की जड़ी बूटी है जिसमें कि तेल भी निकल सब ही जंगल से ले जाते है सब जंगल से ले आते हैं सब के सब जो मतलब की दवाई बनता है दादा के पास वो जंगलों से जाता है और जंगल में हम आपको पहले ही बताएं कि जहाँ पे सारा विज्ञान फेल हो जाता है तो वहाँ पे एक चमत्कार होता है जिसको बोलते हैं प्रकृति और उस प्रकृति के गोद में एक से एक जड़ी बूटी छिपा हुआ है आज भी जिसको दादा निकाल रहे हैं और उस जड़ी बूटी से किसी का दुख खुशी में बदल जाएगा और इधर जितना भी आपको जंगल दिख रहा है सभी जंगलों में एक से एक कीमती जड़ी बूटी उपस्थित है मौजूद है बस आपको परख होने की कला होनी चाहिए और दादा में वो परख होने की कला है बाकी आप भी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं आपको भी गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं मिल रहा है सटीक दवा नहीं मिल रहा है तो आप भी आपके मोबाइल पे मोबाइल नंबर जो फ्लैश है वो फ्लैश कर रहा होगा उस पर आप संपर्क कीजिए अगर आप आने में सक्षम हैं तो आप बैठ से फेस टू फ़ेस आकर के मिल सकते हैं अगर आप आने में सक्षम नहीं हैं तो आप फ़ोन कीजिए आपके दरवाजे तक दर, आ, दवाई का होम डिलीवरी होगा और आप जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे दवाई आपको हाथों में मिल जाएगा तो बाकी आप भी आयुर्वेद पर विश्वास करते हैं तो आप भी आयुर्वेद का सेवन कीजिए अंग्रेजी दवा के बारे में पहले ज़्यादा बताएँ कि एक बीमारी का दवा खाइएगा तो दूसरा बीमारी आपको अपने आप पैदा हो जाएगा हम लोग दर्द का दवाई लेते हैं तो उसके साथ दूगा टैबलेट देता है कि गैस ना हो जाए लेकिन ये जो आयुर्वेद दवा है इसमें अगर आप खाइएगा तो फायदा ना होगा तो नुकसान भी नहीं होगा ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है बाकी आप आयुर्वेद के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमेशा ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना अलंदा दस्तक धन्यवाद